संघ का 85 वर्षों का सफर पूरा हुआ है, यह सफर में विकास के चरण क्या है? ऐसा है कि मुख्य रूप से हम तीन चरण मानते हैं। 1925 से लेकर 1948 तक देश स्वतंत्र हुआ, उसके बाद से लेकर 1975 तक और 1975 से लेकर आज तक का, ऐसा अगर तीन कालखंड माने जाएं तो पहला कालखंड था कि समाज में एक विश्वास जगे कि हिंदू समाज का संगठन हो सकता है, और इसलिए 1948 आते आते एक स्थापित हो चुका कि संघ के द्वारा हिंदू समाज का संगठन हो सकता है। 1948 के बाद एक जब स्वतंत्रता की प्राप्ति के बाद एक नई प्रक्रिया शुरू हुई, उस समय महात्मा गांधी जी की हत्या का एक बहुत घृणित आरोप संघ पर रखा गया, एक राजनीतिक दृष्टि से प्रेरित संघ को एक राजनीतिक शक्ति मानकर उसको समाप्त करने के लिए तत्कालीन शासनकर्ताओं ने महात्मा गांधी जी की हत्या का आरोप लगाकर और संघ को समाप्त करने की कोशिश की, लेकिन सारी शक्ति के साथ संघ के संसदों के बल पर उस समय का सारा संकट टला, संघ पर से प्रतिबंध हटा और संघ फिर एक बार और शक्ति के साथ संघ ने कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन उसके पश्चात जैसे जैसे स्वयंसेवकों की शक्ति बढ़ती गई तो एक स्वाभाविक रूप से जो संघ की पहले से कल्पना थी कि संघ एक समाज का संगठन करेगा, व्यक्तियों का निर्माण करेगा और व्यक्ति समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति के लिए काम करना प्रारंभ करेंगे, और इसलिए जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में और संघ के संयोजकों ने वहाँ की जो समस्याएं थी उसका अध्ययन किया, उस क्षेत्र में हिंदू चिंतन के आधार पर क्या होना चाहिए उसके एक वैचारिक पृष्ठभूमि पर विचार किया और समाज जीवन के उस क्षेत्र में हिंदू चिंतन के आधार पर कार्य हो ऐसे प्रयोग करने प्रारंभ किए। जैसे विद्यार्थी क्षेत्र है तो शिक्षा का क्षेत्र है, तो शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति क्या हो, शिक्षा संस्थान कैसे चलाए जाए, महाविद्यालयों में पढ़ने वाला छात्र वो देशभक्त कैसा बने, इसके लिए कहीं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्य प्रारंभ हुआ। कहीं पर जब बात ध्यान में आई कि इतना बड़ा समाज है तो औद्योगिकरण का उसी समय प्रारंभ हो चुका था, तो उद्योगों में काम करने वाला एक मजदूर है वह भी एक राष्ट्रभक्त बने, देशभक्त बने, और उद्योगों की नीति भी ये देश के विकास की दृष्टि से होनी चाहिए, इस नाते उद्योगों के बारे में, आर्थिक क्षेत्र के बारे में, मजदूरों के विकास के बारे में विचार करने वाला स्वयंसेवकों के द्वारा कहीं ना कहीं भारतीय मजदूर संघ शुरू हुआ। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हिंदू चिंतन के आधार पर हम कुछ अच्छी बातें स्थापित करने की आवश्यकता मानते थे, कुछ मॉडल खड़े करना चाहते थे, और इसलिए कई स्थानों पर विद्यालयों का प्रारंभ भी संघ के स्वयंसेवकों ने किया। इस प्रकार का क्रमशः एक कई प्रकार के बातों को सोचकर रचनाएं प्रारंभ हुई। उसी श्रृंखला में आगे 1964 में जब ध्यान में आया कि यहाँ का जो हिंदू समाज है वो मूल धार्मिक प्रवृत्ति का है, साधु संतों को मानता है, सन्यासियों को मानता है, मठ और आश्रमों के प्रति श्रद्धा रखता है, यहाँ के आचार्यों के प्रति एक सद्भावना मन के अंदर रहती है, उनके वाणी पर विश्वास करता है, और इसलिए यह एक विचार आया कि अगर समाज परिवर्तन लाना है तो जब तक यह संत शक्ति, धार्मिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग, हमारे मठ मंदिर, यह भी सामाजिक दृष्टिकोण लेकर खड़े नहीं होंगे तब तक हम इसमें पूरी शक्ति लगाकर काम नहीं कर पाएंगे, और इसलिए सारे साधु संतों को भी एक मंच पर लाकर समाज की जो विषमताएँ हैं, समाज की जो कुरीतियाँ हैं, समाज के अंदर जो कई दोष है उसके निवारण के प्रति वो भी मुखरित हो, एक मंच पर आकर जो जो भी समस्याएं वो हिंदू समाज की समस्याएं उसका निवारण करना हमारा दायित्व है, इस प्रकार का भाव लेकर अगर संत शक्ति खड़ी होती है तो बड़ा परिवर्तन को गति प्राप्त होगी, ये सोचकर ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, और हमारा अनुभव बड़ा अच्छा रहा कि इस मंच पर सारे संकुचित धार्मिक विचारधाराओं से भी ऊपर उठकर
हिंदू के नाते विचार करने वाले, वैसे तो हम ये नहीं कह सकते कि प्राचीन काल में नहीं था, लेकिन एक लंबे समय के चलते कुछ बातें वहाँ पर एक संकुचित धारा के रूप में विकसित हुई थी, परंतु विश्व हिंदू परिषद के और प्रयत्नों से, बहुत साधु संतों के आशीर्वाद से, सहयोग से, हम उसमें भी हम कुछ कर पाए कि सारे साधु संत एक स्वर में बोलने लगे। उसी के चलते जो उडुपी का धर्म संसद का अधिवेशन हुआ, उसी में अस्पृश्यता ये कलंक है इस प्रकार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसको धर्म ग्रंथ में कहीं स्थान नहीं है, ये पहली बार बताया गया। और सब संतों ने मिलकर ये कहा कि हम इसके निवारण के लिए हम सब लोग प्रयत्नशील बनेंगे। तो ये कहा, मैं समझता हूँ कि 1969 ये सामाजिक जीवन में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है, ऐसा मैं मानता हूँ। 1975 के बाद एक समाज में एक विशेष प्रकार की जागृति आना प्रारंभ हुआ था। भ्रष्टाचार था, कई प्रकार के राजनीतिक सत्ता के केंद्रों में कई प्रकार की गलत बातें चल पड़ी थी, और उसके खिलाफ एक जन आंदोलन भी उस समय खड़ा हुआ। संघ के संयोजकों ने उस आंदोलन को पूरे शक्ति के साथ समर्थन दिया। उसके चलते सत्ता केंद्र को भय लगा और उन्होंने 25 जून को आपातकाल घोषित किया, इमरजेंसी घोषित, और सारा लोकतंत्र समाप्त करने का षड्यंत्र रचा गया। देश के वर्तमान पत्रों पर प्रतिबंध आए, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वालों पर कई प्रकार की कड़ाई से नज़र रखी गई, और हिंदू विचारधारा को लेकर काम करने वाले कई कार्यों के ऊपर प्रतिबंध लाया गया। और एक तरह से इतने बड़े लोकतंत्र वाले एक विशाल देश में एक तानाशाही लाने का प्रयास किया गया। उसके खिलाफ एक बहुत बड़ा व्यापक जन आंदोलन और जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में जब शुरू हुआ, और एक जन जागृति में संघ ने पूरी शक्ति लगाकर काम किया। लेकिन इतना ही नहीं था, तो बाद में इस शक्ति के आधार पर ही कई प्रकार के समाज को जोड़ने के प्रयास हमने शुरू किए। और इसलिए 1975 के बाद का एक बहुत अलग प्रकार का कालखंड है, और फिर उसमें एकात्मता रथ यात्रा हो, मीनाक्षीपुरम की एक छोटी घटना के कारण समाज में जो आक्रोश निर्माण हुआ उसको संगठित करने का काम हो, गंगा और भारत माता ये सारे अपने देश के आराध्य है इस प्रकार का भाव जो अंतकरण में था उसको फिर एक बार जागृत करने का प्रयास उस एकात्मता रथ यात्रा के निमित्त हुआ हो, और फिर अपने सबके हिंदू समाज के आस्था का केंद्र वो राम जन्मभूमि का आंदोलन हो, ऐसे कई प्रकार के जन जागरण के कार्य में संघ के संयोजकों ने अपनी पूरी शक्ति लगाई और इस आंदोलनों की योजना करने वालों को पूरा समर्थन दिया है। एक मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा व्यापक परिवर्तन यह 1975 के बाद, अथवा हम कह सकते हैं कि 1977 के इमरजेंसी उठने के पश्चात एक व्यापक समर्थन और प्राप्त हो, समाज में कुछ लोग अच्छे होने से पर्याप्त नहीं होगा। जब तक सारे समाज का भी स्तर थोड़ा देशभक्ति के नाते, राष्ट्र के नाते, धर्म समाज के नाते, जब तक वो थोड़ा ऊपर नहीं उठेगा, तब तक इन्हे गिने कुछ लोग और देशभक्त होकर देश में परिवर्तन नहीं आएगा। और इसलिए 1977 के बाद जो प्रयास चले वो जन जागरण के चले, जनसाधारण को इस दिशा में लेकर आगे बढ़ सके, इस नाते प्रयास हुए। और मैं समझता हूँ कि राम जन्मभूमि का आंदोलन एक देश की, राष्ट्र की एकात्मता के शक्ति का एक बहुत बड़ा प्रकटीकरण उसमें से हुआ है। राम जन्मभूमि के आंदोलन में सब जाति, पंथ, भाषा, संप्रदाय, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, नगरीय, ग्रामीण, वनवासी, ये सारी सीमाएँ टूट चुकी थी, और सारा समाज आराध्य राम के प्रति श्रद्धा रखकर एकत्रित हुआ, संगठित हुआ। और मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ी शक्ति का जागरण उस राम जन्मभूमि आंदोलन के कारण हमने अनुभव किया है। मैं समझता हूँ कि ये तीन चरण उसके माने जाएंगे। 48 तक हम प्रयोगशील थे, कई प्रकार के प्रयोग करते करते हिंदू समाज का संगठन हो सकता है स्थापित करने में लगे। 1948 के प्रतिबंध उठने के बाद एक सामाजिक परिवर्तन का अथवा राष्ट्र के सर्वांगीण विकास का एक नमूना खड़ा करना चाहिए इस दृष्टि से और संयोजकों ने कार्य प्रारंभ किए। और 1977 के बाद जन सामान्य भी इस राष्ट्रीय प्रश्नों के साथ जुड़े
संगठित होकर खड़ा रहे, एक स्वर में बोले, इसके लिए जो एक व्यापक प्रयास हुए, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छे 80-85 वर्षों की एक यात्रा में ये बड़े महत्वपूर्ण चरण हमको लगते हैं।